हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पिंटू। दोस्तों आज मैं यण स्वर संधि बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं यण स्वर संधि को टेट के लिए बता रहा हूं दोस्तों। शिक्षा पात्रता, छत्तीसगढ़ शिक्षा पात्रता जो आया है उसके लिए बता रहा हूं दोस्तों। तो बता दूं दोस्तों, मैं यण से चालू कर रहा हूँ क्योंकि मैं पिछला को छोड़ दे रहा हूँ। वो इसलिए छोड़ दे रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मैं पिछला वीडियो मेरा जाके देखेगा तो उसमें मैं बता चुका हूँ वर्णमाला और संधि का। जिधर यण से जितना भी पीछे होता दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, ये सबको मैं बता चुका हूं दोस्तों। इसलिए यण से चालू कर रहा हूं, उसको भी टेट के लिए ही है। और टेट के से बल्कि ज्यादा है, टेट के लिए, टेट से अधिक उसमें है ना। तो उसको आप लोग पहले पढ़िए, इसके बाद फिर यहाँ आइए तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज का क्लास चालू करता हूँ दोस्तों। यण स्वर संधि बताऊंगा। तो दोस्तों मैं यहाँ लिखा हूँ कि ई ई मतलब छोटा ई और बड़ा ई, उ उ छोटा उ बड़ा उ और री के बाद अगर कोई भी स्वर आता है तो वह क्या हो जाएगा। ई ई का य हो जाएगा, उ उ का व हो जाएगा और री का र हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, ई छोटा ही ई हो या फिर बड़ा ई हो के बाद इधर कोई भी स्वर आए तो दोनों ई का मतलब कि इस ई का भी य हो जाएगा, वो भी हलंत वाला य मतलब आधा य, और इसका भी आधा य हो जाएगा। बड़ा ई और छोटा ई का य हो जाता है। और मैं लिखा हूं कि उ और उ के बाद मतलब बड़ा उ यहाँ है ना, बड़ा उ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वह हो जाता है आधा वह और आधा वह बन जाता है। ठीक है, इधर मैं फिर लिखा हूं री के बाद, क्या री के बाद कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी स्वर आए तो री क्या हो जाता है, र बन जाता है। ठीक, इसका उदाहरण मैं बताता हूं दोस्तों तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। पहला उदाहरण है दोस्तों इसका यद्यपि। तो दोस्तों पहला उदाहरण है यद्यपि, क्या चीज, यद्यपि, य ध और पी, यद्यपि, यद्यपि। सबसे पहले तो आपको याद क्या करना है कि यद्यपि क्या है, यण स्वर संधि है। ठीक, यद्यपि अगर पूछेगा आपसे कि यद्यपि क्या कौन सा स्वर संधि है तो यण स्वर संधि है। ठीक, तो संधि अगर इसको संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि। ठीक है, क्या हो जाएगा, यदि धन अपि। ठीक, तो इसमें देखिए कि इधर मैं लिखा हूं छोटा दी, ऐसा लिखा हूं छोटा दी। ठीक, तो छोटा दी में छोटा ई है, इसके अंदर मात्रा क्या है, छोटा ई, और इधर क्या है, अ। ठीक, तो ए अ इधर का फर्स्ट अक्षर और इधर का लास्ट वाला मतलब ई, दोनों मिलकर मैं बोला हूं कि ई के बाद कोई भी स्वर आए। ठीक, तो ई जो क्या होता है वह क्या बन जाता है, य बन जाता है, वो भी आधा य। ठीक, य बन जाता है, ई का य बन जाता है, यहां भी मैं बताया था। तो देखिए इधर क्या बचा है, य बचा है और इधर क्या बचा है, द, द है, और ई, ये छोटा ई जो था वो तो बाहर निकल गया। ठीक, और ये छोटा अ बाहर निकल गया, तो इधर य और द ही बचा है ना बस, तो इधर य और द बचा है और ये वाला य बचा है मतलब आधा य, तो इसको इसी के अंदर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, और इधर क्या बचा है, ये अ तो बाहर निकल गया तो क्या बचा है, पी बचा है। ठीक, पी बचा है, तो ऐसे ए यद्यपि मतलब अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो य और ऐसे ध और पी, यद्यपि मतलब ये जो लिखा हूं बड़ा सा ऐसे करके, इसके अंदर द और य दोनों है। ठीक, वो भी द पूरा द और आधा य, इसीलिए धपी पढ़ते हैं, ध पढ़ते हैं, यद्यपि। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं क्या बोला, यद्यपि क्या है, यण स्वर संधि है, और यद्यपि को संधि विच्छेद करने से क्या हो जाता है, यदि धन अपि हो जाता है। ठीक, अगला उदाहरण में बताता हूं आप लोग को, इसके अंदर क्या है, द और य दोनों है। ठीक, तो दोस्तों अगला उदाहरण है अत्यावश्यक, क्या है, अ अधत या व स यक, अत्यावश्यक। ठीक है, अत्यावश्यक सबसे पहले आपको याद करना है कि अत्यावश्यक क्या है, तो अत्यावश्यक एक यण स्वर संधि है और अत्यावश्यक को विच्छेद करने से क्या हो जाएगा, अति धन, अति धन आवश्यक, आव
सयक आवश्यक, ठीक, अति धन आवश्यक, इतना ही आएगा क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद में ई और आ ये सब जोड़ना घटाना करता हूँ, वो सब कभी आपके पेपर में नहीं आएगा। बस आपको इतना ही याद करना है कि अत्यावश्यक क्या है, तो अत्यावश्यक यण स्वर संधि है, और अत्यावश्यक को विच्छेद करने से क्या होता है, अति धन आवश्यक। इसके बाद वाला जो मैं बता रहा हूँ वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन समझने के लिए बता दे रहा हूँ कि इधर छोटा ई है तो वाला छोटा ई, और इधर बड़ा आ है, और दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, य, वो भी आधा य, ठीक। तो दोस्तों इधर क्या बचा है, अति, अत, अत बचा है, अत अत, और इधर क्या बचा है, य, ये वाला य, ये वाला य लग जाएगा, और त, और इसमें आ है, ये आ है, इसलिए इसमें आ की मात्रा लग जाएगा य में, और इधर व, स, यक, आवश्यक मतलब अत्यावश्यक, इसको जोड़ देने से क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक मतलब अत्यावश्यक क्या हो गया, एक यण स्वर संधि है, और अत्यावश्यक को विच्छेद करने से अति धन आवश्यक होता है। तो दोस्तों अगला उदाहरण है अत्युत्तम, अत्यु तम, अत्युत्तम, ये अत्युत्तम। सबसे पहले आपको याद करना है कि अत्युत्तम क्या है, यण स्वर संधि है, और अत्युत्तम को संधि विच्छेद करने से क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अति, अति धन उत्तम, अति धन उत्तम, ठीक है, क्या हो जाएगा, अति धन उत्तम। तो दोस्तों अगला उदाहरण है अन्वय, क्या, अन्वय, 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 सबसे पहले याद क्या करना है, अन्वय एक यण स्वर संधि है, ठीक, यह अन्वय क्या है, यण स्वर संधि है, और इसको संधि विच्छेद करने से क्या हो जाएगा, अनुधन अय, अनुधन अय, ठीक है, अनुधन अय हो जाएगा, अनुधन अय। तो दोस्तों अगला उदाहरण है मध्वालय, क्या है, मध्वालय, 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 मध्वालय को संधि विच्छेद करने से क्या हो जाएगा, मधु, मधु धन आलय, आलय, मधुआलय, ठीक है, मधु धन आलय, ठीक। तो मधुआलय आपको याद करना है कि मधुआलय क्या है, एक यण स्वर संधि है, और मधुआलय को विच्छेद करने से मधु धन आलय हो जाता है। दोस्तों अगला उदाहरण है गुर्योदय, क्या चीज, गुर्योदय, गुर यो यमे औक मंत्र, यो दय, गुर्योदय, गुर्योदय क्या है, यण स्वर संधि है, और गुर्योदय को विच्छेद कर, तो दोस्तों इसको विच्छेद करने से क्या हो जाएगा, गुरु धन औदार्य, क्या हो जाएगा, औदार्य, औदार्य, गुरु धन औदार्य, ठीक है, इसको विच्छेद करने से गुरु औदार्य हो जाएगा है, ठीक है। दोस्तों यण स्वर संधि खत्म होता है, इसके बाद मैं अयादि स्वर संधि आप लोग को दूसरे वीडियो में बताऊंगा, ठीक। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।